पहली बार गैस पे कुछ बनाया है। पूरी स्पीड से काम हो रहा है आज तो, क्या बात है, ज्यादा एनर्जी आ गई। अभी गोली खाते सो लो, अगर फिर कोई बोला ना फिर सुनेगा मेरे को। एक एक करके सुखे जाओ वहां पे ले जाओ। चिमटी लगा दियो, कहीं गिरे पाए सारे कपड़े। आम लग रहे पेड़ पे, खट्टा खट्टा आम खाने का इतना दिल कर रहा है, कोई तोड़ के ला दो। कभी आएगा सब्जी वाला लेने? पेड़ से टूटे हुए आम की बात अलग है जानू। ऐसा ही हो रहा है, एक दिन मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ठीक है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इसकी ज़्यादा तबीयत ठीक है, ज़्यादा एनर्जी आ रही है, धाड़ धाड़ भाग भाग के काम कर रहा है। और फिलहाल मुझे गट्टों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मतलब एकदम चिपक के सोना। और सच बताऊँ तो भगवान के शुक्र गुजार हैं हम कि हम दोनों यहाँ बेड पे ऐसे सोते थे, मैं इधर, बच्चे इधर और वहाँ उधर, और दोनों बच्चे बच गए, मतलब सही में। और जबकि ये इन्फेक्शन इतना गंदा इन्फेक्शन है कोरोना वाला कि दूर दूर से लोगों को कैच कर लेता है, मतलब इसका इन्फेक्शन लग जाता है, और बस भगवान ने बच्चे बचा दिए। और फिलहाल जो है एक बार भी बंदा यहाँ देखेगा नहीं, पूरी कंसंट्रेशन से काम कर रहा है। और मेरे को इतना अजीब सा हो रहा है, मतलब दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, शरीर भी काम नहीं कर रहा है, हाथों में ये ताकत ही नहीं है। और अगर कोई काम पड़ा है ना तो मैं उसको देख सकती हूँ घंटों तक, पर करने की हिम्मत नहीं आ रही है। ऐसे देखो कितना काम कर लिया, बेडशीट बिछा दिया, बर्तन धो दिए हैं, कपड़े सुखा दिए, मशीन में कपड़े डाल के आ गए। बेटा इस तरह में जान आ रही है, ये नहीं है गंद में नहीं जान आ रखी है। देखा काम हो गया, कितने महीनों से बेचारा सोने की कोशिश करता था, भगवान ने अब इतना सारा लंबा टाइम दे दिया। ले सो, इधर भी मार जाए, इधर भी मार दे यार। मम्मी की तबीयत हो चुकी है खराब, मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी को ना हो गया इन्फेक्शन। ले मार दे, चल थोड़ा सा ना पानी डाल ले ये हटा। मेरे को लग रहा है खाना वाना हमको ही बनाना पड़ेगा। चल देखिए देखिए, यही तो चिपचिपा। अच्छा ये थोड़ा सा और पानी डाल लेता मशीन में से, ज्यादा कपड़े तो नहीं है। सारा काम कर दिया मैंने, एकदम बेड भी क्लीन कर लिया है, पोछा भी लगा दिया है, अब मैं जा रही नहाने। और मैंने कहा था ना एक कामचोर इंसान ऐसे करके पड़ जाएगा। देखा अब इतना एटीट्यूड दिखा रहा है और पूरा कंट्रोल है और हंस नहीं सकता बंदा। अब इसकी हल्की सी हंसी आई थी, इसने सोचा कि कर ले दिमाग अंदर से कंट्रोल, नहीं था तो फंस गया। अब फिर आ रही है इसको, देख देखा एक टीवी चला दे, पंखा चला दे। दो कपड़े सुखाए, दो कपड़े इसने मशीन में डाले, इतनी देर में इसको जो काम हो गया। फिलहाल मिलती हूँ ना। एक इशारा आंखें गई है पंखे की तरफ, फिर गई है टीवी की तरफ, दोनों काम कर दे जल्दी। लग रहा है पोछा लगा के सो मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद बता दूँ कि एकदम फैन ऑन नहीं करना है, क्योंकि सर्द गर्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले पानी में नहा के आई हूँ और फ़ैन चलाऊँगी तो वापस दोबारा कफ बनने के चांसेस रहते हैं।
दूसरा, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपको कोरोना के सिम्टम्स का कैसे पता चला। हुआ क्या था, मतलब मैं लेटी हुई थी और फीवर था मुझे, तो एक मेरे पास पोस्ट आया कि आपका अगर सर दर्द है, ये सिम्टम्स हैं तो ना, मतलब आपको कोरोना वायरस है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मैंने बोला नहीं यार, बी पॉजिटिव, भगवान का नाम लो, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल एक वायरल फीवर भी हो सकता है मुझे। पर मैं आपको बता दूं कि कोरोना के सिम्टम्स कैसे हैं, कि आपका सर बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा, भारी भारी रहेगा, कफ रहेगा सूखा वाला, घबराहट रहेगी, यहाँ 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 बहुत घबराहट रहेगी, कुछ भी काम नहीं होगा आपसे, और किसी किसी के पेट में भी दर्द होता है। और क्या होता है सिम्टम्स में, बॉडी एक वो तो बता ही दिया कि पेन रहेगा ही रहेगा, है ना, और खांसी रहेगी सूखी वाली, और फीवर रहेगा तेज, है ना। तो ये 2-3 दिन तक रहेगा। जब जैसे ही कोरोना एकदम होता है ना, तो शुरू के एक आध दिन ना जुकाम होता है, हल्का फुल्का ऐसे वाला जुकाम रहेगा, बट नोज़ बाहर नहीं आएगी, बहुत हैवी नोज़ रनिंग वाला जुकाम नहीं रहेगा, हल्का जुकाम रहेगा, और बाद में वही जुकाम एकदम सूख जाएगा और ड्राई खांसी हो जाएगी खूब तेज वाली, और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुरू में पहले आपके मुँह का टेस्ट कड़वा रहेगा, और बाद में जब एकदम पीक पे हो जाएगा कोरोना वायरस, तो आपका मुंह का टेस्ट भी चला जाएगा, और आपको ना तो स्मेल आएगी और ना ही किसी चीज़ में कोई टेस्ट आएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे एक और सिम्टम है कि कैसे पता चलेगा कि कोरोना वायरस है, आपको ना वॉमिटिंग जैसा फील होएगा, लाइक अगर जैसे जो फीमेल्स हैं जो प्रेग्नेंट हुई हैं, उनको जो एक फीलिंग आती थी ना कि वो शुरू के 3 महीने में कुछ खा नहीं सकती हैं, खाने को देखते ही याक वाली फीलिंग आती है, एकदम गंदी फीलिंग आती है, यहाँ वो वाले सिम्टम्स रहेंगे कि खाना सामने है, आपको भूख भी लग रही है पर आप नहीं खा सकते क्योंकि आपको वो देख के वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। स्टार्टिंग में ही अगर आप इस चीज़ पर केयर करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ईजिली थोड़ा मैनेज हो सकता है, संभल सकती है चीज़ें, बट एकदम बहुत ज़्यादा आपका वायरस बिगड़ गया है, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, फिर घर में रह के उपचार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो शायद हो सकता है कि हम लोगों ने भी टाइम पे मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया, इसलिए हम भी टाइम से घर पे रह के रिकवर हो गए हैं। वीकनेस बहुत ज़्यादा है, बट अब इतना बड़ा वायरस शरीर के अंदर घुसा है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही रिकवर होने में। और फिलहाल पंखा भी नहीं चलाऊंगी, थोड़ी देर बाद चलाऊंगी, और इस इंसान को गर्मी लग रही होगी। जाओ तुम भी जाके नहा आओ, नहाया और वाइपर मार देना बाथरूम में एकदम, है ना। सो मम्मी की तबीयत भी थोड़ी थोड़ी डाउन जाती जा रही है। एक्चुअली मम्मी को हम भेज रहे थे, पर पंगा क्या हुआ कि जब भेजने का टाइम आया था मम्मी को और हमको पता चला कि हमको मतलब कोरोना वायरस है, तब तक मम्मी को हल्का सा जुकाम हो चुका था, तो हमें लगा कि हम कहीं और भेजें, किसी और को ना लग जाए हमारी वजह से, और उनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे थे, तो ये चलते हमने नहीं भेजा। पर आज मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं उन्हें भी नहीं हो गया हो। हाय राम, मतलब काढ़ा आने से पहले ना एक फीलिंग आ जाती है, हाय राम, फिर उठना पड़ेगा, हाय कहाँ से हिम्मत लाऊँ, कैसे पीऊँ, मतलब खाने पीने में भी हिम्मत नहीं है। आप धूप आ रही थी, एकदम मौसम चेंज हो गया। सो आज बनी है पता नहीं दलिया या खिचड़ी है। दलिया खिचड़ी खाने का ना एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप खाते खाते थक जाओगे, समझ नहीं आएगा पेट भरा है या खाली है, मतलब बहुत आलस आता है खाने में। गिर जा। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? कुछ तो जो भूख लग रही थी, मैंने सोचा था कुछ स्पेशल बना। मैंने कहा इसको कि चाय भी बना ले, लेकिन इसने मेरे को भी खड़ा किया, इसलिए मैंने इधर चाय। तो थोड़ा काम करना चाहिए इंसान के शरीर में, ताकत बनेगी काम करने से, मतलब बनेगी ना चाय, ताकत तो सारी ताकत तू ही बना ले मेरे को। सो मेरा पहला चीला, मतलब कोरोना वायरस के बाद मैंने पहली बार गैस पे कुछ बनाया है। कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कंप्लीट बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई थी, चक्कर आ रहे थे, बट आई कुक्ड, आई डिड, यस। कितना अच्छा लगता है ना अपने हाथों का कुछ बनाना, खाना वो टेस्ट एकदम एक्यूरेट, उतना ही नमक मिर्च, मजा आ गया। ये देखो एक बार बनाइए, थोड़ा टूट गया है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब इसको आराम करना होता है ना, आराम नहीं करेगी। ऐसे ही ना डिलीवरी जब हुई थी 3 दिन में उठ के खड़ी हो गई थी, भैया आराम कर ले, जाके वो ले ले स्टीम। हाँ
बर्तन मांज के आया सारा ढेर। अब मैं सोच रही हूँ मम्मी की थोड़ी हेल्प करूँ, अच्छा नहीं लग रहा, मम्मी की भी तबीयत थोड़ी डाउन जाती जा रही है, तो बस आज जो कर रही है किचन का काम कर रही है, कल से ये बिहाइंड द कैमरा इसको भी घसीटूंगी और खुद भी दोनों मिलके काम करेंगे। और फिलहाल बिल्कुल ना दिल से बोल रही हूँ कि इस टाइम मुझे बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, अगर बिल्कुल नहीं रह पा रही, बहुत 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 ज़्यादा याद आ रही है। अभी तो 15 दिन हो रहे हैं। गट्टू बेचारा इतना बोलता है, बार बार फ़ोन करते हैं, मम्मी मुझे आपकी याद आ रही है, आपकी याद आ रही है। बहुत मुश्किल है मुझे मोमेंट निकालने बच्चों के बिना, मैंने क्या खा रहे होंगे मम्मी। और वैसे उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, बच्चों की भी आदत ये अच्छी है कि मांग के खा लेते हैं, बट स्टिल दिल मेरा तब तक तसल्ली नहीं मानता था जब तक मैं उनको अपनी आँखों से खाते हुए ना देख लूँ। तो बस आज की वीडियो में और यही है, कल से हम वापस दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन वाली लाइफ स्टार्ट करेंगे। मैंने इसको बोल दिया है कि कल पहले उठ के हम पूरे घर का झाड़ू पोछा करेंगे, सफाई करेंगे, अच्छे से डस्टिंग करेंगे, धीरे 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 खड़े होकर अपने अंदर वापस दोबारा इम्यूनिटी बढ़ा के काम करने की क्षमता को थोड़ा मजबूत करेंगे। बस बाय, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। पता नहीं वीडियो में क्या दिखाया है आज, क्या नहीं दिखाया है, कुछ याद नहीं रह रहा, दिमाग भी ऐसा लग रहा है उतना अच्छे से स्टोरेज अभी दिमाग की हो नहीं पा रही है। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना, रेड वाला बटन, रेड वाला। बाय।